पता है मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, लिटरली आप सोचोगे मैं क्यों इतना ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है मेरे हाथ में क्या है? उसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबको पता है गेस्ट आउट मेरा भी क्या है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था मेरा कोई ड्रेस व्रेस आया होगा, लेकिन ये कुछ तो है। लेकिन आपको नीचे जाके बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पे लिखो नंबर। पता है मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, लिटरली आप सोचोगे मैं क्यों इतना ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है मेरे हाथ में क्या है? थोड़ा गैस लगा सकते हैं, मैं इतना खुश हो रहा हूँ ना। चलो मम्मी को बताते हैं, सबसे पहले नीचे जाके वो भी खुश हो जाएंगी। मम्मी मम्मी देख ये क्या है पता है? मम्मी को पता ही नहीं, सो सैड। कोई बात नहीं, अभी जब मैं खोलूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा मैं इतना खुश हूँ ना यार। सबसे पहले थैंक यू सो मच। एक है, मैं आपको आज एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरे गणेश बप्पा मैंने बहुत अच्छा मानता हूँ, एंड जो भी अच्छी खुशखबरी होती है मैं नहीं बताता हूँ, तो थैंक यू पप्पा। और थैंक यू सो मच मेरी आर्टियंस, आई रियली लव यू। अब मैं इसे खोलने वाला हूँ। आर्टियंस मेरे हाथ में है सीजर एंड दिस, और मैं चाहता हूँ कि मैं मम्मी के हाथ से खुलवाऊँ, क्योंकि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है इसके अंदर क्या है और कैसे। मुझे तो पता है और आपको भी नहीं पता है, तो मम्मी से खुलवाते हैं, ठीक है? देखते हैं मम्मी के रिएक्शन। मेरी मम्मुन्नू कोई आइडिया नहीं चल जल्दी। आय हाय ऐसे नहीं, ये सीजर है ना, इसके अंदर ऐसे डालिए करके, ऐसे ये पूरा मुंह का होता है वो कर। जल्दी मम्मी जल्दी। पक्का है? पक्का है ना, पक्का ही तो देंगे। इसमें मेहनत भी बड़ी अच्छी भयंकर वाली लगी है ना। आपको तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वन टू थ्री मम्मी, इतना खुशी हो रहा ना मुझे, मेरी पहली अचीवमेंट। मम्मी सीधा कर इसको। तूने कभी सोचा ना मुझे आएगा? ये तो सोचा नहीं था पर। ये ना बहुत शर्मीली है, पता है वैसे तो बहुत बोलती है लेकिन कैमरे के आगे नहीं बोलती, पर कोई नहीं ऐसा होता है, आपकी मम्मी भी होंगी ऐसी लेके आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था। आई लव यू। ओके थैंक यू, थैंक यू आर्टियंस। यार आर्टियंस इतनी खुशी का मौका है तो मेरा उछलना कूदना तो बनता है ना यार, डोंट माइंड जी। आई लव यू आर्टियंस। इस खुशी के मौके पे सबका मुख मीठा कराना तो बनता है मेरी आर्टियंस, तो चलो चलते हैं मिठाई की शॉप पे। यार यहाँ पे तो सब टेस्टी टेस्टी है, वैसे सबको वैसे गुलाब जामुन ही पसंद आते हैं ना, तो मैं लूंगा गुलाब जामुन, ठीक है व्हाइट वाले। भैया जी एक किलो कितने का आएगा गुलाब जामुन? 300 का, 1 किलो कर दो। तो पड़ेगा आपको, खाओ। करो आप मुँह मीठा। थैंक यू। ओके अब मैं चलता बनता हूँ ऐसे। वो जल्दी जल्दी बाजू में ना चप्पल में ही आ गया, वो भी डब्बू भैया के चप्पल है, कितने बड़े लग रहे हैं। आर्टियंस आप सोचोगे मैं यहाँ पे क्यों रुकना हूँ, क्योंकि आर्टियंस यहाँ पे मेरे चुन्नू मुन्नू रहते हैं, और मुझे आपको एक बात बतानी है, जब भी मैं सैड होता हूँ मैं उन्हीं के पास जाता हूँ बात बात करने, एंड वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब मैं दुखी भी रहता हूँ तब भी वो मेरे साथ रहते हैं, जब मैं खुश रहता हूँ तब भी वो मेरे साथ रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज मेरा इतना खुशी का दिन है तो मैं उन्हें एक एक तो चलता है मीठा देखो तो उन्हें खिलाऊँ। वो वैसे तो मुझे रोज़ मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ, रुको। पुन्नू भी लाइक यार गर्मी में बाहर कैसे आऊं मेरी बच्चू। अभी जब से थोड़ा गर्मिया वर्मिया आया ना, इनका थोड़ा साइड सा मूवमेंट हो गया, ये थोड़ा ना शांति से रहते हैं, तो आज तुम्हारी पार्टी है मेरे बच्चों। आपको पता मेरे पास बहुत सारे थे, आप मेरा एक पहला वीडियो देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसमें पता चल जाएगा उनके साथ क्या हुआ था, तब जरूर देखना। अभी फिलहाल मैं इनको खिला रहा हूँ। दिस इज फॉर माय गुल्लू। मुझे
बोल रहे थे कुत्तों को मीठा नहीं खिलाते, मुझे पता है, लेकिन एक एक तो चलता है भैया, मेरा खुशी का दिन है आज। मान गया मैं। और आप भी खाओ अंकल जी, एक तो बनता है, ये लीजिए। ये अंकल जी मेरे डॉगी से हेल्प करते हैं बहुत। थैंक यू। ये लो भैया, आप भी मीठा करो। वो देखो कह रहा और खिलाऊंगा। नहीं अब नहीं खिलाऊंगा, एक बहुत होता है, ले तू भी खा ले। ओ आर्टिस्ट, मैं अपने चुन्नू हनू को खिला चुका हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे सारे नहीं थे, क्या पता मुझे नीचे मिल जाए। लेकिन अभी मैं अपनी एक दादी के पास जा रहा हूँ, वो बहुत प्यारी है, आपको पता है, वो इतनी अच्छी है। जब भी मैं सैड होता हूँ मैं उन्हीं के पास जाता था, लेकिन कुछ टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मैं उनके पास जाऊँ। उन्हें मैं टाइम देता हूँ क्योंकि उन्हें मेरा टाइम बहुत अच्छा लगता है लेना। एंड शी इज सो क्यूट, मैं भी दिखाऊंगा आपको, आप कभी मिले नहीं होंगे उनसे, लेकिन अभी देखना वो कितना खुश हो जाएंगी। आज मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, आपको पता है मेरे ना, पहले हाई बोलो मेरी ऑडियंस को, मेरे ना 100K हो गए, मेरी याद नहीं आई आपको? याद नहीं आई? याद आई? देखो आज मैं मिलने भी आ गई आपसे, अब मैं दादी जी का मूवी बैठा करवाता हूँ। मामा का ये लो, पर मामा आए मेरी प्यारी सी दादू। यम्मी है। अभी एक रेड बुल मैंने अपने दादी के हाथ से ही खाया, कुछ इसमें रख देता हूँ ताकि वो बाद में खाते रहे, है ना दादी जी? ये मुझे ना हमेशा ऐसी करो, कैसे करते हो आप? सर पे कैसे करते हो? ये हमेशा मुझे ऐसी करती है। इनकी स्माइल देखो, एक स्माइल करना, यही करो। दादी नहीं है दादी का। दादी अब मैं जाता हूँ, मुझे औरों को भी खिलाना है जाके, तो मैं आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है? बाद में, बाय बाय, मिलने आऊंगा बाद में, बाय। अब मैं घर जाता हूँ, सो मैं यहाँ से घर जाता हूँ। ऊपर मैंने आज स्कूटी खड़ी की है, सो लेट्स गो, यहाँ पे काम चल रहा है वैसे भी बहुत दिनों से, इसलिए मैं आ भी नहीं पाता हूँ, बट चलो चलते बनते हैं। ज्यादा जाते ही जाते, मेरी पुन्नू मिल गई मुझे, पता है बहुत अच्छी है, इसके साथ की जितने सारे थे ना उनकी डेट हुआ था, लेकिन छोड़ो वो सब बातें याद नहीं करनी मुझे। थैंक यू, मुझे मेरे साथ निकले, समझे तू? एक ही दूंगा क्योंकि मीठा नहीं देना ज्यादा। ऐसी मुझे मेरे कुछ फैमिली आर्टियंस, अब मैं सीधे घर को रवाना होता, मैं बहुत थक गया यार, अब मम्मी का भी मुंह मीठा कराया था बेचारी, घर में मेरा वेट कर रही हूँ। टाटा, मिलता हूँ आपको घर में। मेरे डब्बू भैया के पेटू दोस्त, इन्हें भी खाना है, प्रणाम कर रहे हैं ना, जीते रहो आप, खाओ सब, ले जाओ ले जाओ सब। नहीं ये मेरी मम्मी के लिए भी है पूरा, मतलब दो चार ले जाओ, देख रहे हो देख रहे हो, चलो बाय बाय। अब मैं मम्मी के लिए लेके जाऊंगा अपनी गुटगुटी, ये ले मुंह मीठा कर। हाय मेरी गोल गप्पे जैसी मम्मी। दादा दादी ये लो। आय हाय, नजर न लगे इनके प्यार को। पार्टनर्स लिटरली आप मेरा हाल देख सकते हैं कैसा हो गया। ओके सो मिस व्लॉग को एंड करता हूँ, लेकिन उससे पहले दिस इज स्पेशल फॉर आर्टियंस, थैंक यू सो मच यार, तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना कि लाइक थैंक यू, मतलब मैं इतनी बचकानी हरकतें है मेरी, मतलब मैं कोई भी देखता है तो बोलता है लाइक डांटता है, लेकिन मैं ऐसा ही था यार बचपन से, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरे घर वाले मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं ना, और आपने भी मुझे ऐसे ही पसंद किया, तो मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ बेस्ट हूँ, है ना? तो थैंक यू सो मच आर्टियंस, आई रियली लव यू। मे माई मोटिव ब्लेस यू ऑल, एंड खूब सारा हमेशा मेरे साथ रहो, यू आर माई फॉर एवर साथी, मैं हमेशा बोलता हूँ आई लव यू ऑल। लास्ट बात तो बोलने बोलिया, इसकी जगह यहाँ भी आएगी आर्टियंस यहाँ पे, और अभी तो ये आया है, अभी तो मुझे मिलियंस वाला भी आएगा, इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। बाय बाय।